कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाई, वेल प्लेड। बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ और अगले मैच में एक बार फिर से आप सुनेंगे राज्य भाषा मराठी में अक्षय सावंत को, लेकिन नहीं बाद में, थोड़ा टाइम। अक्षय सावंत की कॉमेंट्री सुनने में बहुत आनंद आ रहा है आजकल, जरूरी है क्योंकि जहां पर राष्ट्रभाषा है वहां पर राज्य भाषा जरूर होनी चाहिए। दूसरे मैच की शुरुआत और पहले ओवर की पहली गेंद सौरभ पुजारी, बहुत अच्छी गेंद लेकिन उतना ही अच्छा शॉट खेला था, एक सिंगल प्राप्त किया है पहली गेंद पर, यानी कि अपने आप को चेक किया है किस प्रकार से बल्ले पर आ रही है, फुटवर्क क्या है, स्टांस क्या है, ये सारा कुछ आप पहली गेंद पर सिंगल निकालने के बाद अपने आप को समझ सकते हैं। सिंगल प्राप्त किया है भावेश ने एक, और अब साई आए स्ट्राइक पर, साईनाथ। सौरभ के अगली गेंद साई के लिए, अच्छा शॉट खेला है, क्या बात है, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद धीरे धीरे बाउंड्री लाइन के तरफ रवाना होती हुई, अंपायर का निर्णय आना बाकी है लेकिन वहां पर अभी भी बल्लेबाज दौड़ लगा रहे हैं। फील्डर थोड़ा सा फंबल होने के बाद गेंद को उठाकर उन्होंने जब तक थ्रो किया है, एक रन शॉट नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, दो रन दौड़े हैं लेकिन एक रन शॉट है, तो सिर्फ एक, अच्छा तीन भागे ओके, तीन रन दौड़े हैं एक रन शॉट, यानी कि दो मिलेंगे तो एक, देखिए अब एक इंच की दूरी आपसे, एक रन से दूरी, तीन रन टोटल स्कोर इस समय, पहले ओवर का खेल। सौरभ पुजारी एक और जबरदस्त क्रिकेटर, कुछ साल कुछ महीने क्रिकेट से बहुत दूर रहे, पैर का उनके ऑपरेशन हुआ था लेकिन जैसे उन्होंने कमबैक किया है, बहुत ही जबरदस्त कमबैक किया है, उसके बाद मुड़कर देखा नहीं उन्होंने, लगातार अपने क्रिकेट को एक अच्छे ऊंचाई तक लेकर गए और विकेट मिल गई यहां पर सौरभ पुजारी को, पहली विकेट होगी भावेश बैक टू द पवेलियन। सौरभ पुजारी पिछली गेंद पर विकेट प्राप्त हुआ है और अब नए बल्लेबाज विशाल शिंदे, और ये सबमरीन डिलीवरी, टप्पा पड़ने के बाद बहुत नीचे रही थी गेंद लेकिन अच्छा कलेक्शन वहां पर विकेट कीपर रेहान के द्वारा, ऐसा लग रहा था कि पैरों पर भी लगी गेंद और अपील भी हुई थी अच्छी खासी लेकिन अपील को स्वीकार नहीं किया है अंपायर बताते हुए कि नहीं ये बाहर पिच हुई है और गेंद भी बाहर जा रही थी। फिलहाल चार गेंदे और चार गेंदों में तीन रन, पहले ओवर का खेल चल रहा है, एक विकेट का नुकसान झेलना पड़ा है अब तक हर्ष नॉटी बॉयज को, टीम के कैप्टन बिलिन और सारे खिलाड़ी बिल्कुल पूरी तरह से जोश में हैं, हल्के हाथों से खेला है इस बार, एक सिंगल प्राप्त कर लिया है विशाल शिंदे ने, ये डायरेक्ट हिट, ये देखिए कहां पर घूम रहे थे, ऐसा लगा कि बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, यहां वहां देखते हुए नजर हटी और दुर्घटना घटी वहां पर, विकेट का पतन होता हुआ। ये विशाल शिंदे अपनी सुस्ती का शिकार हुए हैं यहाँ पर, रन पूरा करना चाहिए था, उन्होंने सोचा कि बड़े आराम से हो जाएगा लेकिन फील्डर ने हार नहीं मानी, फील्डर को क्या बात है, टीम के कैप्टन मिलिन, और मिलिन का थ्रो हमने पहले से भी देखा है, बहुत अच्छा थ्रो करते हैं लेकिन इस बार जैसा थ्रो वो चाहते थे वैसा थ्रो, डायरेक्ट सीधे स्टंप पर लगी गेंद, विशाल शिंदे बैक टू द पवेलियन। थोड़ा सा टेंशन का माहौल, नितिन कारेकर और पूरी टीम डगआउट में इस समय कड़ी धूप में एक गर्मी अपने शरीर में लेने का प्रयास करते हुए, जिसके कारण परवेज
नए बल्लेबाज परवेज, एक और बिग हिटर बल्लेबाज हैं, थोड़ा सा जल्दी प्रमोट किया गया उनको, लेकिन ये भरोसे के ऊपर हुआ है, क्योंकि जितना भरोसा ये परवेज के ऊपर जता रहे हैं वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत तो पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा खासा अनुभव उनके पास है इस मैदान पर खेलने का, और बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं परवेज भी। फिलहाल स्ट्राइक पर साईनाथ, दूसरे ओवर की अंतिम गेंद है, अलोंग द कारपेट, गेंद को ऑन साइड पर खेला, एक बार फिर से खतरा हो सकता है, इस बार भी अगर थ्रो सीधा आता स्टंप पर तो फिर मुश्किल हो सकती थी, लेकिन साईनाथ बहुत तेज दौड़ते हैं, पहुंचे क्रीज में सुरक्षित। पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर के बाद स्कोर है 4-2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी शुरुआत सौरभ पुजारी के द्वारा, आप देख रहे हैं पोइसर प्रीमियर लीग 2023, ये चौथा सीजन, और चौथे सीजन में एक बार फिर से इन 8 टीमों के बीच एक जबरदस्त घमासान, दूसरा निर्णायक दिवस, और दूसरे दिन में आज हमें चैंपियन की तलाश है जो कि हमें आज मिलने वाला है। पहला मैच समाप्त हो चुका है, पहले मैच में एसएम पल्टन्स, जिन्होंने कल धुआंधार प्रदर्शन किया था, 2 मैच जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थे, उनको शिकस्त दी है क्रिकेट लाइफ ने पिछले मुकाबले में। उमेश गुरव एंड टीम, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, हेल्दी रन रेट के साथ उन्होंने जीता है वो मैच, और अब अगले नए गेंदबाज विपिन पास्टे, ओवर की पहली गेंद साईनाथ के लिए, बैकफुट पर गए, जबरदस्त काटा है गेंद को, मिलिन गुडेकर दौड़ते हुए गेंद रेस जीती है इस बार, एक और चौका लगाते हुए साईनाथ प्रयास कर रहे थे, ये पहला ही चौका था माफ कीजिए, साईनाथ बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे, इसके पहले भी एक गेंद को ऑफसाइड में खेला था उन्होंने, लेकिन बाउंड्री तक नहीं पहुंचा पाए, इस बार जो कमिटमेंट था उसके हिसाब से बहुत ही सुंदर और कैलकुलेटेड शॉट खेला था वहां पर, 4 रन प्राप्त किए, और इस चौके के साथ थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ेगा साईनाथ का भी, और उनकी टीम में थोड़ा सा जोश का संचार होता हुआ। इसके बाद अभी बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है हर्ष नॉटी बॉयज के लिए, कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद हवा में थोड़ी देर थी, असलम के बिल्कुल बगल से गेंद निकली है, भावेश चौहान गेंद पर आते हुए, थोड़ा सा फंबल हुए और उसका फायदा मिला है साईनाथ को, 2 रन पूरे किए, स्कोर आगे बढ़ के अब डबल डिजिट में जा पहुंचा है 10 के युग पर, 2 विकेट के नुकसान पे। टोटल स्कोर 10, विपिन की अगली गेंद, 2 गेंदों में अब तक 6 आ चुके हैं, अच्छा काटा एक बार फिर से पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन प्राप्त किया है, और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है अब 11, 3 गेंद आना बाकी है इस ओवर की अभी भी। स्ट्राइक पर परवेज, पहली गेंद पर ही उठाकर खेला एक बार फिर से, ऑन साइड पर फील्डर है वहां पर, एक पूरा किया है, थोड़ी सी मिस फील्ड वहां पर, लेकिन बैकअप है, एक पूरा हो जाएगा, दूसरा भी पूरा हो गया है, नॉन स्ट्राइक रेंज पर थ्रो थोड़ा सा लेट हुआ है, खराब फील्डिंग की बदौलत आप बैट्समैन को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, और परवेज जैसे बल्लेबाज को आपको रोकना बहुत जरूरी है, परवेज ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे, ज्यादा स्ट्राइक लेंगे तो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये अच्छा शॉट एक बार फिर से बहुत तेज गति से निकली है डीप में, अनिल वहां पर मिस फील्ड हुई, उसका फायदा नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होंगे साईनाथ, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 14। इसके बाद अंतिम ओवर आना बाकी है, 4-2-6-1-7-2-9-1-10 इस ओवर में आए हैं, अब तक 5 गेंदों में अंतिम गेंद आना बाकी है, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, बिलिन जो कि ऑफ साइड पे खड़े थे आपको खुद वो बाउंड्री की तरफ जाते हुए ऑन साइड पर, एक स्लिप लगातार तैनात किया गया है, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, एक डीप कवर पर, असलम वाइडिश मिड ऑफ पर, बैकफुट पर चले गए थे पहले ही, और बड़ा आसान कर दिया इस बार साई के लिए, लेग स्टंप के बाहर गेंद गिरी है, वाइड बॉल छोड़ दिया और स्कोर को आगे बढ़कर बढ़ाकर पहुंचा दिया इस वाइड के साथ 15 पर, 1 रन मुफ्त का मिला है,
अंतिम गेंद आना बाकी है। बैकफुट पर चले गए, एक बार फिर से गैप में खेला है लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है। एक रन पूरा किया, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। बहुत अच्छी फील्डिंग युवा खिलाड़ी यश के द्वारा। और आखिरी गेंद पर सिंगल आया है, ओवर की समाप्ति। दो ओवर के बाद 16 रन, दो विकेट के नुकसान पर, 16 for 2, 16 धावा। परवेज दो गेंदों में 3 रन, साईनाथ 6 गेंदों में 11 रन। यस, पिछले ओवर में 12 रन आए, थोड़ा सा महंगा ओवर। और देखिए चर्चा हो रही है, चर्चा होनी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं। किसी को नाश्ता करना है तो प्लीज जल्द से जल्द नाश्ता कर लें, क्योंकि नाश्ता जो है वो थोड़ा सा खुले में है, धूप में रखा हुआ है तो ज्यादा देर तक हम रख नहीं सकते। तो जल्द से जल्द नाश्ता कर लें जिनको करना है। बहुत ही स्वादिष्ट पोहे का इंतजाम किया गया है यहाँ पर, और उम्मीद है सभी प्लेयर्स ने खाया होगा। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, हल्का फुल्का। आज पूरे दिन आप अगर खेलना चाहे तो भी इस पोहे के बल पर खेल सकते हैं, बहुत ताकत है पोहे में। दो ओवर की समाप्ति के बाद बने हैं 16। सौरभ पुजारी एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पर। पहले ओवर में मात्र 4 रन उन्होंने दिए थे, 2 सफलताएं प्राप्त की थी, और इस ओवर में भी बहुत कुछ उम्मीदें उनको उनकी टीम से, इसलिए पहले ही ओवर कंप्लीट करवा दिया जा रहा है। इसके बाद भी गेंदबाजी लाइनअप है उनके पास। मिलिंद गुडेकर अपनी गेंदबाजों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 40 का दर्शाता हुआ, अगर ऐसे ही बल्लेबाजी चलती रही 8 के औसत से, तो साईनाथ अपना विकेट बचाकर अब तक खड़े हुए हैं। डबल डिजिट में उनका स्कोर पहुंच गया है, 11 पर खेल रहे हैं 6 गेंदों में। अच्छा शॉट खेला है सीधे बल्ले से, डीप में फील्डर भावेश चौहान के हाथों में एक आसान सा कैच लपका जाएगा और बड़ी विकेट, बड़ी मछली को जाल में फंसाया जाएगा। साईनाथ बैक टू द पवेलियन, लेकिन अब मैदान पर जाते हुए सर्विन उदय कुमार। बहुत अच्छी बैटिंग की साईनाथ ने, इसके पहले 6 गेंदों में 11 बनाया था। 7वीं गेंद पर एक और बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, क्योंकि साईनाथ जानते थे कि अब समय की मांग है। पीछे बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है, सभी बैट्समैन राह देख रहे हैं, तैयार हैं, इसलिए अब बिना कोई जोखिम उठाते हुए बड़ा शॉट खेलें, जो होगा देखा जाएगा। साई ने ये स्टार्ट किया था, बहुत ही बढ़िया पारी खेली, 11 बनाए उन्होंने 8 गेंदों में, और अपनी पारी का यहां पर अंत करते हुए फिलहाल एक और विकेट सौरभ के खाते में जाती हुई, 3री विकेट सौरभ पुजारी को मिली है। क्या बात है, सौरभ अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, उनको पता है क्या करना है। रन्स भले बन रहे हैं लेकिन कहां पर किसका विकेट लेना है ये अच्छी तरह से जानते हैं। और अब इस बैट्समैन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, यानी कि हम बात करें सार्विन, सार्विन उदय कुमार, एक और उदीयमान खिलाड़ी, युवा टैलेंटेड प्लेयर, टेनिस क्रिकेट जगत में अपना सिक्का बहुत कम समय में उन्होंने जमाया है। और अब एक बार फिर से जहां से उन्होंने खेल की शुरुआत की थी, सिद्धेश्वर बॉयज और इस युवक मंडल और इस मैदान पर सार्विन ने क्रिकेट की शुरुआत की। और एक बार फिर से सार्विन को बैटिंग पर हम देख रहे हैं, हल्का सा प्लेसमेंट और सेंसिबल क्रिकेट पहली गेंद पर। युवक मंडल अध्यक्ष और युवा नेता गणेश जी बारे हमारे बीच उपस्थित हैं, हार्दिक स्वागत है गणेश दादा, आइए मंच पर, आपका स्वागत है। सिद्धेश्वर बॉयज की तरफ से और युवक मंडल की तरफ से आयोजित पोइसर प्रीमियर लीग सीजन 4 2023 में आपकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादा या वेलकम मंचावर, या हार्दिक स्वागत। युवा दिलों की धड़कन, युवा नेता हमारे बीच गणेश दादा बारे, ये हवा में गेंद, गणेश दादा आपका स्वागत हुआ है विकेट के साथ, एक विकेट गिरी है, क्या बात है। सौरभ पुजारी को ये 4थी विकेट मिली है, जोरदार तालियों के साथ गणेश दादा का स्वागत कीजिए प्लीज। पोइसर प्रीमियर लीग सीजन 4 2023 मुख्य आयोजक और हमारे सर्वे सर्वा युवाओं को हमेशा
हर दम सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। और बात की जाए खास करके क्रिकेट की, तो क्रिकेट के प्रति बहुत अच्छी रुचि है उनकी, एक खुद भी अच्छे क्रिकेटर हैं और हमारे बीच अब उपस्थित हैं, तो हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बढ़ते हैं मैच की तरफ और सौरभ पुजारी को चौथी विकेट मिली है, क्या बात है। सौरभ तो आज कहरे डा रहे हैं, बल्लेबाजी तो बाद में आएगी लेकिन उसके पहले जो गेंदबाजी का मौका मिला है उसको छोड़ना नहीं चाहते, दोनों हाथों से बुना रहे हैं। मंच पर उपस्थित युवक मंडल के अध्यक्ष, युवा नेता हमारे बीच गणेश दादा बारे उपस्थित हैं, हार्दिक स्वागत है आपका। और आप देख सकते हैं मंच पर सुंदर आयोजन, ये पीछे 8 टीमों का जो आप लोगो देख रहे हैं वो सभी, और बाकी नीचे ये सारे हमारे गेस्ट, सारे अतिथि, खास करके बात करें तो मुख्य आयोजक और हमारे एक और बड़े भाई, लाखों युवा दिलों की धड़कन भवन दादा गुरव लगातार बने हुए हैं और काफी मेहनत, शानदार काबिले तारीफ। हल्के हाथों से खेला है नए बल्लेबाज नितिन कारेकर, जो बल्लेबाजी अटैक पर गए इस समय, पहली गेंद पर सिंगल लिया है और क्या सेंसिबल क्रिकेट यहां पर देखने को मिला है। नितिन कारेकर भी एक अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने भी खेला है और जब मौका मिलता है तो वो छोड़ते नहीं है मौका, उनके पास भी क्षमता है, एबिलिटी है बड़े हिट लगाने की। सार्विन उदय कुमार स्ट्राइक पर है, टोटल स्कोर है 18, इसके बाद 2 ओवर का खेल और बाकी रहेगा, तीसरे ओवर का खेल फिलहाल। 5वीं गेंद फ्लिक कर दिया है, स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए नितिन कारेकर, बहुत तेजी से रन दौड़ा उन्होंने, स्कोर आगे बढ़ के अब पहुंच गया है 19, 4 विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, अंतिम गेंद आना बाकी है, इस गेंद पर नितिन कारेकर देखना है कोई बड़ा हिट लगाते हैं या फिर एक बार फिर से स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरे छोर पर जब सार्विन खेल रहे हैं तो सार्विन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिले, ये फिलहाल यही सोच होनी चाहिए हर्ष नॉटी बॉयज की तरफ से। पोइसर प्रीमियर लीग 2023 सीजन 4, ओहो बहुत बढ़िया गेंद, गुड लेन पर गिरने के बाद सीधे निकली, नितिन ने आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, लेकिन एक बार फिर से शानदार ओवर किया है सौरभ ने और 2 ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए हैं सौरभ पुजारी ने, 4 विकेट हासिल किए हैं, क्या बात है, जबरदस्त शुरुआत, इससे बढ़िया शुरुआत और कुछ नहीं हो सकती। रॉयल एनफील्ड की चाबी मिली है, किसकी है वो देख लें प्लीज, कमेंट्री बॉक्स में है रॉयल एनफील्ड, ये बुलेट की चाबी, जी हाँ अपना पहचान दिखाएं उसके बाद ले जाएं, वोयाज मोटर्स की ये गाड़ी है। नेक्स्ट मैच का टॉस करेंगे, तो नेक्स्ट मैच सिद्धेश्वर टाइगर्स और रुद्रा फाइटर्स के बीच खेला जाने वाला है। समय से देखिए हम अभी भी बहुत लेट चल रहे हैं, मैच का टाइम था 10 बजे का, 10 बजे शुरू होना था, फिलहाल 10:40 हो गए हैं, 40 मिनट हम ऑलरेडी देरी से हैं, जब वो मैच शुरू होगा ये मैच खत्म होने के बाद तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं टॉस बॉक्स में, सिद्धेश्वर टाइगर्स और रुद्रा फाइटर्स और सिद्धेश्वर टाइगर्स, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए पहुंचे, बबन दादा आपका इंतजार कर रहे हैं टॉस बॉक्स में। अरे सिद्धेश्वर टाइगर्स, बबन दादा जिनके ओनर हैं खुद, ओहो बड़ा शॉट, इसी का इंतजार कर रहे थे बहुत देर से हम, और आखिरकार वो हमारे सामने है, सार्विन उदय कुमार बिग हिट के साथ वेलकम करते हुए गेंदबाज भावेश चौहान का, व्हाट अ शॉट दैट वाज, और ऐसी गेंद आपको करेंगे तो सार्विन छोड़ने वाले नहीं है, सामने रखेंगे गुड लेन पर, नहीं ओवर पिच गेंद गिरेगी और क्रॉस बैट के साथ जब ये शॉट खेलते हैं सार्विन तो मजा आ जाता है, क्या बात है। और गेंद जब बल्ले को लगी तो आवाज के थ्रू ही पता चल गया था कि गेंद सीधे बाहर ही जाएगी। अब पच्चीस रन 4 विकेट के नुकसान पर, अब थोड़ा सा एक्सेलरेट होगा ये स्कोर, इतना तय है, लेकिन सार्विन को संभल कर खेलना है ये भी ध्यान रखना है। दूसरी छोर पर भावेश चौहान अगर विकेट ले लेते हैं तो बहुत बड़ी विकेट होगी, मौका मजा, व्हाट अ कैच,
व्हाट अ कैच, क्या बात है। सौरभ पुजारी गेंदबाजी करते समय दो ओवर में 7 रन दिया, मात्र 4 विकेट लिए, और ये कैच, ये विकेट भी जो है सौरभ पुजारी के ही खाते में जाएगा मेरे हिसाब से। और थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था भावेश चौहान अगर विकेट ले लेते तो बहुत बड़ी विकेट होगी, और भावेश ने तुरंत वो करके दिखाया। व्हाट अ कैच, क्या बात है। और हम चाहते हैं कि कैच हमें बार बार देखने को मिले। हमारे कैमरामैन काफी अच्छी मेहनत करते हुए आखिरी समय तक गेंद पर कैमरे को लगा कर रखा, और जब तक सौरभ दौड़े उनके हाथों में गेंद आई तब तक वो कैच छूटा नहीं। और ये कैच नहीं, ये मैच है, ऐसे कैचेस से ही आप मैच जीत सकते हैं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 25 पर, 5 विकेट के नुकसान पर, पूरी तरह से दबाव बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रन भी बन रहे हैं। ये भी देखने वाली बात है कि हर स्नॉटी बॉयज अगर विकेट जा रहे हैं तो रन बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। वो पिछली गेंद पर जो सार्विन ने बड़ा हिट लगाया उसकी अगली ही गेंद पर प्रति उत्तर दिया था भावेश चौहान ने, और बहुत बड़ा विकेट मैं कहूँगा कि 5 विकेट गिर चुके हैं। और अब नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए हैं, राकेश। राकेश पहली गेंद खेलते हुए, इस बार शॉट पर फील्डर तैनात है, इस बार भी खतरा हो सकता था अगर पहली अटेम्प्ट में गेंद हाथ में आ जाती तो, लेकिन फिलहाल अच्छी फील्डिंग और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन राकेश ने अपना अकाउंट ओपन किया 1 रन बनाकर, स्कोर है 26 5 विकेट के नुकसान पे। हर्ष नॉटी बॉयज शुरुआत थोड़ी सी अच्छी रही, लेकिन उसके बाद जो विकेट गिरने का सिलसिला चालू हुआ, कंटिन्यू विकेट गिरते रहे, लगातार विकेटों का पतन हुआ है। कट कर दिया इस बार सेंसिबल क्रिकेट, एक बार फिर से नितिन कारीकर द्वारा एक सिंगल, स्कोर आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है सिंगल के साथ, अब 27 27 रन, 2 गेंदे और आना बाकी इस ओवर की। देखिए एक बिग हिट लगने के बाद भावेश चौहान ने जो वापसी की है उसे कहते हैं अच्छी गेंदबाजी। आपको निराश नहीं होना है, अगर एक विकेट एक बड़ा हिट आ रहा है तो उसके बाद अगली गेंद पर आप कैसे कमबैक करते हैं, ये अगर आप सोचकर गेंदबाजी करेंगे तो आप बिल्कुल ही सफल होंगे। स्ट्राइक पर राकेश, टोटल स्कोर इस समय, चौथे ओवर का खेल चल रहा है, 2 गेंद आना बाकी है। आड़े बल्ले से खेल दिया इस बार, स्क्वायर लेग की तरफ डीप में गई है गेंद, फील्डर है वहां पर, यश फंबल हुए वहां पर, उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, 2 पूरे कर लिए हैं, ओवर थ्रो नहीं नहीं नहीं, दौड़ेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 29। अंतिम गेंद, नितिन भावेश दोनों में यहां पर थोड़ी सी जद्दोजहद। अंतिम गेंद है इस ओवर की, क्या बड़ा हिट देखने को मिलेगा राकेश के द्वारा, व्हाट अ शॉट, ये बहुत अच्छी हिट थी लेकिन उतना ही बेहतरीन कैच, वेल जज कैच, और यहां पर राकेश को लौटना होगा पवेलियन। शॉट बहुत अच्छा खेला था लेकिन ऐसा लग रहा है कि भावेश ने वहां पर उंगलियां फेरी थी, धीमी गति की गेंद थी, थोड़ी सी स्लोअर गेंद, और पढ़कर जब बल्ले पर आई तो बल्ला तो तेजी से आया लेकिन गेंद में उतनी गति नहीं थी। और देखिए खूबसूरत कैच, वेल जज कैच वहां पर यश के द्वारा, बहुत बड़ी विकेट, 6 विकेट का पतन, और अब नए बल्लेबाज चैतन्य। देखिए रन्स अच्छे हैं, 4 ओवर में 29 बने हैं लेकिन 6 विकेट का नुकसान झेलना पड़ा। पोइसर जिमखाना के अध्यक्ष और आगरी कोली समाज के अध्यक्ष माननीय श्री मुकेश भंडारी साहब यहां पर उपस्थित है, हार्दिक स्वागत है भाई। पोइसर जिमखाना अध्यक्ष मुकेश जी भंडारी,
आपला मध्ये उपस्थित आहे, हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज दूसरा दिन चल रहा है पोइसर प्रीमियर लीग सीजन 4 2023 का। दूसरे दिन में ये दूसरा मैच आप देख रहे हैं। दूसरे मैच में वीर मराठा और हर्ष नॉटी बॉयज के बीच मुकाबला चल रहा है और अब अंतिम ओवर का खेल। अंतिम ओवर में बिपिन नितिन ने अच्छा शॉट खेला इस बार, हवाई फायर, गेंद को ऑन साइड पर ढकेला, वहां पर फील्डर मौजूद है, बहुत अच्छी फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो, लेकिन काफी नहीं था। क्या थ्रो किया था, जबरदस्त थ्रो मिलिन का वहां पर। और साथ ही साथ रविंद्र सकपाल जी हार्दिक स्वागत है, मुकेश भाई भंडारी पोइसर जिमखाना अध्यक्ष और रविंद्र सकपाल जी हमारे बीच उपस्थित है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका। भारी किनारा लगा है, फील्डर वहां पर गश्त लगाते हुए, विकेट का पतन हुआ है और नितिन कारेकर बैक टू द पवेलियन। ये सातवां विकेट गिरा है। अब यहां पर देखिए आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो लगातार विकेट गिर रहे हैं उसके वजह से स्कोर ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी भी स्कोर 31 रन ही है और 7 विकेट गिरे हैं, तो जो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि 7 गेंदों पर अगर 7 विकेट गिरे हैं तो 7 गेंदे ऑलरेडी वैसे ही डॉट बॉल में काउंट हो जाएंगी। 4.2 ओवर, 31 रन, 7 विकेट, 7 विकेट्स डाउन। और नए बल्लेबाज मितुल मितुल पटेल, विपिन इस ओवर में अब तक 2 खर्च किए हैं, 1 विकेट अपने नाम। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर मितुल, नौ स्ट्राइक पर चैतन्य, दोनों ही युवा खिलाड़ी। बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास, चैतन्य बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, युवा टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। चैतन्य की बैटिंग हमने देखी है और फिलहाल देखना है उनको स्ट्राइक मिलती कब है और मितुल कैसे रन बनाते हैं। यहां से अगर 3 गेंदों में 5 रन 6 रन भी बन जाते हैं तो भी हर्ष नॉटी बॉयज के लिए एक अच्छी बात होगी, लेकिन वो बननी चाहिए, बिपिन ऐसा होने नहीं देंगे। एक बार फिर से टर्न देखने को मिली है, बिपिन बाएं हाथ के गेंदबाज है, बहुत अच्छी टर्न कराते हैं, लेकिन उस बीच बाएं के रूप में 1 रन मिल गया है और स्ट्राइक भी मिल गई चैतन्य को, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। चैतन्य के पास भी क्षमता है गैप में खेलने की और उनका फेवरेट एरिया है वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में टारगेट करते हैं। यहां पर देखना होगा फील्डर अगर तैनात है। यस भावेश एक बार फिर से थोड़ा सा घूमते हुए, 32 टोटल स्कोर है 32, 7 विकेट के नुकसान पे, लेकिन 2 गेंदे अभी भी इस पारी में आना बाकी है। लास्ट 2 बॉल्स टू गो, चैतन्य अगर इन 2 गेंदों में अच्छे खासे रन अपने टीम के लिए बना देते हैं तो वो एक संजीवनी साबित होगी, बहुत मदद मिलेगी उससे सेकेंड इनिंग में डिफेंड करने के लिए। स्कोर 2 गेंदे बाकी हैं, देखना है क्या होता है, क्या बिपिन बाजी मारेंगे या फिर चैतन्य। बिपिन नो डाउट बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए लेफ्ट हैंडेड के सामने कैसी गेंदबाजी करते हैं और चैतन्य किस प्रकार से खेलते हैं उनको ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है, बिलिन प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम। ओहो क्लीन बोल्ड, क्या बात है, विपिन ने बाजी मारी है, चैतन्य को लौटाया है वापस पवेलियन की तरफ। ये 8वां विकेट गिरा है, 8 विकेट खो चुके हैं अब तक हर्ष नॉटी बॉयज मात्र 32 रन बनाने के लिए। थोड़ा सा चिंता का सबब है, टेंशन वाली बात तो है हर्ष नॉटी बॉयज के लिए, सभी बल्लेबाज एक से बढ़कर एक, लेकिन किसी ने भी ज्यादा देर तक खड़े रहकर खेलने की कोशिश नहीं की, विकेट गिरते रहे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। स्कोर कम होकर अब 32 रन पर रुका हुआ है, अंतिम गेंद आना बाकी इस पारी की, केवल और केवल 1 गेंद बाकी। नए बल्लेबाज योगेश इस ओवर में 2 विकेट आए हैं विपिन के खाते में,
मात्र 3 रन खर्च किया है। स्लॉग ओवर में ऐसी गेंदबाजी जिसकी उम्मीद रहती है फील्डिंग टीम को हमेशा, बिल्कुल वैसी ही गेंदबाजी देखने को मिल रही है। बोईसर प्रीमियर लीग सीजन फोर 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दूसरा निर्णायक दिवस आप देख रहे हैं। मंच पर इस समय उपस्थित युवक मंडल अध्यक्ष, युवा नेता गणेश दादा बारे और बोईसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी साहेब, आपका हार्दिक स्वागत है। बारी किनारा, एक और विकेट, ये 9वीं विकेट और इस ओवर में 3री विकेट मिली है बिपिन को। क्या शानदार ओवर रहा है। अंतिम ओवर में केवल और केवल 3 रन खर्च किए और 3 बड़े विकेट अपने नाम किए। एक जबरदस्त गेंदबाजी प्रदर्शन और बेस्ट बॉलर की दौड़ में बरकरार रहेंगे। फिलहाल पारी की समाप्ति की है और पूरी तरह से हर्ष नॉटी बॉयज को कंट्रोल में रखते हुए पारी को समाप्त किया है। जहां पर एक समय स्कोर लग रहा था कि 40-45 तक जाएगा, वो स्कोर सिर्फ 32 रन पर रोक दिया और अब 33 रनों का लक्ष्य, जो कि एक छोटा लक्ष्य जरूर है लेकिन ये मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि हर्ष नॉटी बॉयज की खेमे में भी देखें तो हम साईनाथ हैं, फिर सार्विन हैं, परवेश भी गेंदबाजी अच्छी खासी करते हैं, राकेश हैं गेंदबाजी के लिए और काफ़ी अच्छा गेंदबाजी अटैक है उनके पास। तो दूसरी पारी में बढ़ेंगे जब मैच की शुरुआत होगी। 30 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता होगी। वीर मराठास को टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था मिलिंद गुडेकर ने। उसके बाद सभी गेंदबाजों और फील्डर का बहुत अच्छा सहयोग देखने को मिला है। फील्डर ने भी काफ़ी शानदार कैच पकड़ा, खास करके वो सौरभ पुजारी के द्वारा पकड़ा गया कैच जो कितना इम्पोर्टेंट था वो हम नहीं भूलेंगे। सौरभ पुजारी ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। तो फिलहाल तो 2 ही गेंदबाजों ने मिलकर 9 विकेट ले लिए, 7 विकेट ले लिए, माफ कीजिए 3 ले लिए विपिन ने, 4 ले लिए सौरभ ने, एक और विकेट। फिलहाल पारी की समाप्ति और 33 रनों का लक्ष्य है दूसरी पारी में। इसके बाद जो होने वाला मैच है उसके लिए टॉस के लिए हम दोनों कैप्टन से विनती करेंगे, अक्षय सावंत, सिद्धेश्वर टाइगर्स। थर्टी 3 टू विन रुद्रा फाइटर के कैप्टन आकाश आलवे कैप्टन ऑफ रुद्रा फाइटर आकाश आलवे और कैप्टन ऑफ सिद्धेश्वर टाइगर। टॉस बॉक्स में बबन दादा ऑलरेडी मौजूद रहेंगे, लेकिन युवक मंडल अध्यक्ष, युवा नेता, हमारे बड़े भाई, प्रेरणा स्रोत, युवा दिलों की धड़कन गणेश दादा बारे, प्लीज आपको टॉस के लिए जाना है टॉस बॉक्स में। गणेश दादा आकाश आलवे टॉस के लिए जाएं टॉस बॉक्स में। गणेश दादा बारे आपके लिए ये टॉस बॉक्स में इंतजार हो रहा है। सो नेक्स्ट मैच का टॉस सिद्धेश्वर टाइगर्स और उनके सामने होंगे रुद्रा फाइटर्स और सिद्धेश्वर टाइगर्स। युवक मंडल अध्यक्ष और युवा नेता गणेश दादा बारे के हाथों से ये टॉस और आशीर्वाद भी दिया जा रहा है उनके तरफ से, बेस्ट ऑफ लक भी कह रहे हैं। देखना है टॉस किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि टॉस विन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है, आपको थोड़ा फैसला लेने के लिए टाइम मिल जाता है। ऐसा लग रहा है कि टॉस जीता है सिद्धेश्वर टाइगर ने। देखना है अक्षय सावंत का फैसला क्या होता है, अपने ओनर से थोड़ी सी चर्चा करते हुए अक्षय सावंत बबन दादा से थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, थोड़ा जल्दी हमें निर्णय बताएं। थैंक यू। आकाश आलवे आपने टॉस जीता है, क्या लिया है थोड़ा जल्दी बताएं, टाइम नहीं है।
वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दूसरी पारी में हम आपको लिए चलते हैं वीर मराठा के लिए। 33 रनों का लक्ष्य है, ज्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं, ज्यादा बड़ी चुनौती है नहीं उनके लिए। अंपायर का इशारा आता हुआ स्कोरर के लिए, यस तैयार है। स्ट्राइक पर है सौरभ पुजारी, नौ स्ट्राइक पर उनका साथ देने के लिए मिलिंद गुडेकर, गेंदबाजी अटैक पर साईनाथ। तीस गेंदे और 33 रन बनाने हैं। स्ट्राइक पर सौरभ पुजारी, अच्छा शॉट खेला है हवा में, लेकिन मौका बन सकता है, खतरा है। साईनाथ को मिल गई पहली विकेट और क्या कमबैक किया है, वाओ! पहली पारी में रन बनाया अपनी टीम के लिए 11 और दूसरी पारी में पहली ही गेंद पर सौरभ पुजारी जैसे बड़े बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया साईनाथ, क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी। फील्डर की भी तारीफ करनी होगी, प्रेशर जो है उन पर है और उस प्रेशर को नजरअंदाज करते हुए इतना मुश्किल कैच जो इतनी ऊपर उठी हवा में उसे अपने हाथ में सफलतापूर्वक पकड़ना। ये देखिए एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, फ्लिक करना चाहते थे, टॉप एज लगी, गेंद हवा में बहुत ऊपर उठी और फील्डर गेंद के नीचे, एक आसान सा कैच। यस सर, युवा टैलेंटेड खिलाड़ी दर्शन ने कोई गलती नहीं की और देखिए इसी की बात करते हैं हम, जब युवा खिलाड़ी भी अच्छी फील्डिंग करे तो गेंदबाज का हौसला तो और सातवें आसमान पर होता है। और तारीफ करनी होगी साईनाथ की, उनको पता था कि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है, अपने को अपना 100% देने का है और इसी कमिटमेंट के साथ साई को पहली विकेट मिलती हुई। सौरभ पुजारी शून्य के स्कोर पर पवेलियन की राह नाप चुके हैं और अब उनकी जगह लेने आए हैं नए बल्लेबाज भावेश चौहान। भावेश चौहान वो भी पहली गेंद खेलेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि 32-33 अगर बन गए तो आप समझ लीजिए पूरी तरह से मैच में है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि छोटा स्कोर है। हालांकि पहले मैच में हमने एक लो स्कोर जरूर देखा था लेकिन ये स्कोर थोड़ा सा अच्छा है, फाइटिंग करने लायक है। भावेश के लिए गेंद, हल्के हाथों से मजबूर कर दिया भावेश को, थोड़ा सा डिफेंसिव रही है, अटैकिंग मोड में आने की कोशिश ना करें अन्यथा नुकसान हो सकता है आपको। जबरदस्त गेंदबाजी साईनाथ के द्वारा। मंच पर उपस्थित युवक मंडल अध्यक्ष, युवा नेता, हमारे आदर्श प्रेरणा स्थान गणेश दादा बारे, हार्दिक स्वागत है आपका। और पोईसर जिमखाना अध्यक्ष श्री मुकेश भंडारी जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पोईसर प्रीमियर लीग सीजन 4 2023 दूसरा दिन, दूसरा मैच। ओहो शॉट अच्छा है, हवा में है लेकिन फील्डर क्या पहुंच पाएंगे, कोशिश देखना है कितनी होती है। अच्छी कोशिश हुई थी और ये गेंद मैदान के बाहर जाती हुई डिक्लेयर जोन में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बिल्कुल बगल से ये गेंद निकलती हुई मान वंदना करती हुई डिक्लेयर जोन में जमा होती हुई। कितना रन है अंपायर, एक या दो है? एक रन, ओके सिर्फ एक रन। अंपायर कितने रन है, ये एक रन है दो रन? ओके सिर्फ एक रन। साईनाथ अगली गेंद लेकर भावेश के लिए, इस बार ऊपरी किनारा लगाया फील्डर, क्या व्हाट अ कैच, क्या बात है। आई थिंक चैतन्य है वहां पर, हुज द फील्डर? यस इट्स चैतन्य, क्या कैच पकड़ा है युवा खिलाड़ी। और ये कैच कितना इंपॉर्टेंट था क्योंकि भावेश ज्यादा देर तक खड़े रहते तो कभी भी मैच को पलट सकते थे और भावेश का विकेट और सौरभ पुजारी का विकेट, ये दो विकेट मानो एक जबरदस्त शुरुआत के रूप में मिली है और अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में लेकर आए हैं। दूसरे दिन की एक शानदार शुरुआत देखने को मिल रही है।
पोइसर प्रीमियर लीग सीजन 4 2023 दूसरा मुकाबला और दूसरे विकेट का पतन हुआ है। साईनाथ को सफलता मिली है, अच्छा कमबैक किया है दूसरी पारी में। विजय तिवारी हमारे बीच उपस्थित है, हार्दिक स्वागत है। विजय भाई आइए मंच पर। साईनाथ की अगली गेंद, नए बल्लेबाज रेहान के लिए। रेहान ने भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन डीप पे फील्डर, एक और विकेट। यस, बैक टू बैक। साईनाथ पूरी तरह से एक्शन में है और ऐसा लग रहा है कि साईनाथ कुछ अलग ही सोच कर आए हैं। पहली पारी में हमने सौरभ पुजारी को देखा, दूसरी पारी में हम साईनाथ को देख रहे हैं। तो ये जो मुख्य खिलाड़ी हैं, कुछ गेंदबाज जो स्ट्राइकर गेंदबाज हैं, वो तो कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वाओ, व्हाट अ बॉलिंग! और फील्डर ने भी बखूबी साथ निभाया है। आप ये नोटिस कीजिए कि जितनी भी गेंदें हवा में उड़ी हैं, साईनाथ ने जितने भी मौके दिलाए हैं उनमें सहयोग सीधा सीधा सपोर्ट मिला है फील्डर्स का। अगर फील्डर्स ये साथ नहीं देते तो ये तीन विकेट भी नहीं मिलते, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो सभी फील्डर्स को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छी फील्डिंग चैतन्य के द्वारा, पहला कैच पकड़ा गया वहां पर। सार्विन, देखिए मैन ऑफ द मैच की टी शर्ट आपको पहनना कंपलसरी है, ये ध्यान में रखें। जिनको भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है अजय स्पोर्ट्स की तरफ से, जो टी शर्ट मिली है तो आपको पहनना है, नहीं तो पेनल्टी हो जाएगी 5 रन की, वो बाद में हम बताएंगे आपको। साईनाथ अगर हैट्रिक लेते तो 500 रुपए का पुरस्कार नागराज की ओर से। हैट्रिक बॉल है ये, बच गए इस बार ऑफ साइड में। बहुत ही रक्षात्मक रवैया अपनाया विपिन ने पहली गेंद पर। ओवर की समाप्ति, ओवर क्या बेहतरीन ओवर रहा है। देखिए 3 विकेट गिरे हैं और मात्र 1 रन दिया है साईनाथ की धारदार गेंदबाजी। वाह, बिल्कुल तालियों के हकदार हैं, अप्रिसिएशन के हकदार हैं और अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अगर ये मैच वीर मराठा के पक्ष में जाता तो फिर ये सौरभ पुजारी थोड़ा सा बेस्ट खिलाड़ी होते इस मैच के, लेकिन अब साईनाथ ने भी दावा ठोक दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है, मैच खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ 1 रन बना है और अब 24 गेंदे और 32 रन 24 बॉल्स 32 रन टू विन। मैन ऑफ द मैच की खूबसूरत रिस्ट वॉच ये अजय स्पोर्ट्स की तरफ से, ये खूबसूरत टी शर्ट और एक सुंदर ट्रॉफी सिद्धेश्वर बॉयज। प्रमुख आयोजक हमारे पोइसर प्रीमियर लीग 2023 के युवक मंडल एवं सिद्धेश्वर बॉयज गणेश दादा बारे हमारे बीच उपस्थित हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज, ज्यादा समय नहीं लें। आज हमें बहुत सारे मैचेस खिलाने हैं। सार्विन उदय कुमार के हाथों में गेंद, लेकिन सार्विन के लिए जो आसान की है वो साईनाथ ने की है। पहले ही उनको एक अच्छा खासा ओवर करके दे दिया है कि चलिए एक ओवर बीत गया है, 5 गेंदे डॉट आई हैं, 1 रन बना है, 3 विकेट प्राप्त हुए हैं, तो एक बहुत अच्छी स्थिति में हर्ष नॉटी बॉयज। शुरुआत में जब रन बने नहीं पहली पारी में तो नितिन कारेकर थोड़ा सा निराश लगे, लेकिन अब जब विकेट गिर रहे हैं, 3 विकेट और मात्र 1 रन बना है स्कोरबोर्ड पर, तब नितिन के चेहरे पर भी मुस्कान देखने को मिल रही है। टीम के कैप्टन एक बार फील्ड से, फील्डिंग में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बदलाव देखने को मिल रहा है। 3 विकेट 1 रन पर विपिन और बिलिन गुडेकर टीम के कप्तान। ये एक और विकेट मिल गई, क्या बात है, पहली ही गेंद पर टीम के कप्तान को भी वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया है। वीर मराठा के लिए कुछ भी सही नहीं है आज के दिन। जबरदस्त कैच वहां पर शॉट पर, मिलिंद टीम के कप्तान। शॉट बहुत अच्छा था लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिलिंद ने वो फील्डर देखा नहीं था,
जब फील्डिंग सेट हो रही थी ओवर की शुरुआत में, नितिन दादा जब चारों फील्डर को यहां से वहां कर रहे थे, तो मिलिंद ने ये रिस्क उठाया था, सोचा था कि गेंद अगर बगल से निकलती है तो एक या दो रन मिल जाएंगे, लेकिन क्या कैच पकड़ा है शॉट पर। वाओ, एक बार फिर से दर्शन, युवा खिलाड़ी, और युवाओं को बहुत अच्छा मौका हर्ष नॉटी बॉयज की तरफ से मिला है। इस टीम में बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, हम अगर बात करें दर्शन की, चाहे चैतन्य की, जबरदस्त क्या बात है, पूरी टीम यूनिटी के साथ खेलती हुई। साईनाथ ने शुरुआत की और उसे अब अंजाम तक पहुंचाते हुए सार्विन। स्कोर बोर्ड पर नजर डालिए आप, सिर्फ 1.1 ओवर, 1 रन, 4 विकेट्स, एक ओवर, एक बॉल, एक रन, 4 विकेट, इससे बढ़िया शुरुआत की आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, और खास करके दूसरे दिन जब इस टूर्नामेंट में सेमी तक और फाइनल तक पहुंचने की रेस जो है वो कुछ ज्यादा ही तेज हो जाएगी। बल्लेबाज सुजीत हल्के हाथों से खेला है, सुजीत भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, हालांकि ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं है, लेकिन उनको भी जब मौका मिलता है तो एक अच्छा खासा क्रिकेट उनके तरफ से भी देखने को मिलता है। पहला रन सुजीत ने चुराया है और इस सिंगल के साथ अब एक के बाद कम से कम दूसरा रन आकर जुड़ा है। अब जाकर पहला रन अकेला ही कब से खड़ा था, वहां पर दूसरा रन ऐड होते हुए तो 2 रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं, और स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट का पतन भी देखने को मिल रहा है। सार्विन को पहली गेंद पर विकेट मिली है और अब दूसरी गेंद पर देखना है सिंगल लेने के बाद विपिन अगली गेंद पर क्या कर पाएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज विपिन और नो स्ट्राइक पर सुजीत, सार्विन की अगली गेंद बैकफुट पर गए, कट कर दिया है, शॉर्ट पॉइंट पर फील्डर है, एक बार फिर से दर्शन के द्वारा मिसफील्ड, एक पूरा किया है दूसरे के लिए, नहीं नहीं यहां पर मुसीबत हो सकती थी और हो गई, खतरा बन गया। सुजीत दौड़ पड़े थे रन लेने के प्रयास में, लेकिन आपको पता नहीं है कि दर्शन ने क्या शानदार फील्डिंग की, इसके पहले 2 कैच भी लपके हैं और एक रनआउट भी दर्शन के खाते में जाता हुआ, क्या बात है। युवा खिलाड़ी पूरी तरह से अपने कमिटमेंट के साथ वो उतरे हैं, पहली बार पीपीएल खेलने का मौका मिला है। क्या बात है, 5,000 रुपए का पुरस्कार है क्रिकेट लाइफ की तरफ से, अगर असलम कंटिन्यू 3 सिक्स मारते तो, हैट्रिक सिक्स असलम के लिए 5,000 रुपए का पुरस्कार, और ये 5,000 10,000 के पुरस्कार कल बहुत सारे लुटाए भी गए और उसे प्राप्त भी किया गया। संतोष परब कल के दिन के हीरो रहे थे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी, अपने टीम को जीत दिलाई आखिरी ओवर में जो 3-4 विकेट लिए उन्होंने, मैं भी यूट्यूब पर देख रहा था वो मैच, 3 गेंदे 3 रन 5 विकेट। मुझे पता है कि इस समय सबके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि 10 रन के अंदर ही क्या पता ये कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, वीर मराठा लड़ेंगे आखिर तक। बिलिन गुडेकर फिलहाल बॉलिंग के अंदर है, असलम ने प्रयास अच्छा किया है, ऑन साइड पर एक बार फिर से दर्शन के पास गेंद, और दर्शन को मैं देख रहा हूं ये सुरक्षा कवच के रूप में खड़े हैं, वहां पर पीछे गेंद जाने नहीं दे रहे, उनके बगल से गेंद निकल ही नहीं रही है। यस, जब मैं सुबह यहां पर आया तो मुझे पता चला कि 33 रन भी चेज हुए हैं कल के दिन, जबरदस्त प्रदर्शन, वो भी क्रिकेट लाइफ ने चेज किया था शायद, नहीं सिद्धेश्वर बॉयज, क्या बात है, सिद्धेश्वर टाइगर्स 33 रन चेज किए थे उन्होंने। आड़े बल्ले से खेला गया शॉट, ज्यादा दूर नहीं जाएगी, और जब तक साईनाथ गेंद को फील्ड करेंगे तब तक केवल और केवल 1 रन प्राप्त होगा। अब एक एक रन के लिए जूझना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल से रन दे रहे हैं सार्विन, पहले ओवर में साईनाथ, चलिए इस ओवर में जैसे तैसे 4 रन तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी 2 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है।
अच्छा शॉट असलम का ऑन साइड पर, मिड विकेट की तरफ फील्डर है, वहां पर एक रन प्राप्त होगा दूसरे के लिए नहीं। बहुत अच्छा थ्रो, बहुत बढ़िया थ्रो, सिर्फ एक रन। छह रन दो ओवर की समाप्ति के बाद पांच विकेट के नुकसान पर, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट में अब तक स्कोर चल रहा है। दो ओवर समाप्त हो चुके हैं, 18 गेंदे और 27 रन, 18 बॉल्स 27 रन टू विन। मैच अभी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहां पर जरूरत है कि विकेट बचाकर रखें। जितने भी बल्लेबाज अब तक गए वो सभी के सभी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हुए हैं। पहले सौरभ, फिर मिलिंद, भावेश, इरफान यानी कि रेहान, और उसके बाद बिपिन, बिपिन जो कि अभी भी खड़े हैं, उनका साथ निभाने के लिए असलम आए हैं। सुजीत भी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। तो ये था इस समय स्कोर बोर्ड पर स्कोर कार्ड का नजारा। पांच विकेट गिर चुके हैं, छह रन बने हैं, 18 गेंदों में 27 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। नितिन दा थोड़ा जल्दी करें प्लीज। तीन फील्डर ऑफ साइड में, सटीआर सर्कल के अंदर हम देख सकते हैं, योगेश, परवेज और बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी, स्लिप में एक खिलाड़ी, दर्शन हमेशा की तरह एक बार फिर से मिड विकेट में, 38 सर्कल के अंदर साईनाथ। ओवर की पहली गेंद लेकर बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, रफ्तार में असलम को गिरफ्तार करते हुए डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है। और ये देखिए आज मौसम भी फुल सपोर्ट में है हमारे, बहुत अच्छा मौसम, ऐसा मौसम ये बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेट खेलने का जो मौसम है, ऐसे मौसम चाहिए हमें। थकावट कम लगेगी, लेकिन फिर भी आप पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। वो अच्छा शॉट खेला है, आड़े बल्ले से फील्डर है, वहां पर सार्विन के हाथों में आसान सा कैच, ये छठा विकेट और साईनाथ को मिलने वाली ये चौथी सफलता। चार विकेट साईनाथ के खाते में, बेस्ट बॉलर की दौड़ में साईनाथ का नाम यहां पर अंकित होता हुआ। किसको मिलेगा प्राइज वो बाद की बात है, उसके लिए अभी बहुत देर का इंतजार करना पड़ा है, करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले बहुत सारा एक्शन अभी देखना बाकी है। अभी ये दूसरा ही मैच है, इसके बाद और छह मैचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, और लीग मैचेस में इसके बाद केवल दो मुकाबले बाकी रह जाएंगे। और अब नए बल्लेबाज आए हैं, यश, यश गुरव। ये भी बढ़िया गेंद साईनाथ। अब देखिए कोशिश ये हो रही है हर्ष नॉटी बॉयज की तरफ से कि पूरी टीम को ऑल आउट किया जाए, और वहीं वीर मराठा थोड़ा सा टेंस में, थोड़ा सा चिंता के माहौल में है। सोच विचार करना पड़ेगा उनको कि ऐसे तो नहीं चलने वाला है, ऐसे आगे का टिकट आपको नहीं मिल पाएगा, इसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी कोशिश, फुल टॉस गेंद, शॉट बहुत अच्छा था लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए बाउंड्री को, और एक आसान सा कैच वहां पर पकड़ा गया विशाल शिंदे के द्वारा, विकेट का पतन होता हुआ। सेवेंथ विकेट डाउन, और अब नए बल्लेबाज विपिन, विपिन पास्टे। सात विकेट और केवल छह रन स्कोर बोर्ड पे, और साई ने भी फाइफर ले लिया है, क्या बात है। विपिन पास्टे अगर छक्का मारते हैं तो पूरी टीम 2000 रुपए विपिन को, दीपेश की तरफ से
विपिन दो छक्का लगाते हैं तो 2,000 रुपये विपिन की तरफ, दीपेश की तरफ से। ऑन साइड पर एक सिंगल प्राप्त किया है, अपना अकाउंट ओपन किया है, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं, 2 रन पूरे होते हुए, 7, 8 रन और 7 विकेट। तीसरे ओवर का खेल, अंतिम गेंदे आना बाकी है, लास्ट बॉल टू गो। साईनाथ ने ऑलरेडी 5 फॉर ले लिया है, 5 विकेट साईनाथ ने ले लिए हैं इस मैच में। ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में भी 5 फाइवर जो है बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं, यहां पर साईनाथ 5 ओवर के मैच में ही 5 विकेट ले चुके हैं। और साईनाथ का देखिए प्रदर्शन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल साईनाथ को 2 ओवर उन्होंने किए, 3 रन मात्र दे दिए और 5 विकेट खाते में उनके। इकोनमी रेट 1.50, 10 गेंदे डॉट की है साईनाथ ने, क्या जबरदस्त गेंदबाजी है। शुरुआत की थी साईनाथ ने, उसके बाद उनका अच्छा सपोर्ट सार्विन ने दिया और इसी की बदौलत टीम अब जीत के कगार पर, कगार पर क्या पहुंची। अब 2 ओवर का खेल बाकी और 25 रन चाहिए, 7 विकेट गिर चुके हैं। अब यहां से अगर चमत्कारी होता है तो ही बिपिन जो, और दोनों बिपिन है, बिपिन पास्टे और बिपिन, बिपिन जायसवाल और बिपिन पास्टे, ये टेक्निकल टीम हमारी। स्कोरर वड़ीवेल अन्ना को आप देख सकते हैं, जय भाई को देख सकते हैं स्क्रीन पर टेक्निकल टीम में, और कैमरामैन आयुष के कैमरे से ये कैद किया जा रहा है, जो इस समय कमेंट्री बॉक्स का नजारा आप देख रहे हैं। अनिकेत और आयुष ये दोनों कैमरा पर्सन, और टेक्निकल जो कि कंप्यूटर पर हमारे बैठे हैं संतोष, और ऑनलाइन स्कोरर विघ्नेश, मैच ऑफिशियल्स शंकर, निनाद, महेश, ये सारे अंपायर्स जिनकी भूमिका आप कल से देख रहे हैं, अच्छी सेवा उनकी तरफ से। राकेश ओवर की पहली गेंद, डॉट बॉल। देखिए अब नितिन कारेकर के पास यहां पर एक मौका जरूर है कि बाकी के गेंदबाजों को भी आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं उनका, जिनको आप थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहें खराब समय में। लेकिन वहां पर बिपिन जायसवाल का अच्छा शॉट, एक सिंगल प्राप्त हुआ है। किसी ऐसे गेंदबाज को आप मौका दे सकते हैं जिसे आप बाद में किसी क्रुशियल मोमेंट के लिए बचाकर रखें, यहां पर आपके पास मौका है। 9 रन 7 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल चल रहा है, 4 गेंदे आना बाकी है। पांच विकेट साईनाथ के खाते में। राकेश की अगली गेंद, आड़े बल्ले से खेलने का बड़ा स्टंपिंग, नहीं बच गए, इस बार क्रीज में पहुंच चुके थे। बहुत ही अच्छी शानदार विकेट कीपिंग नितिन कारेकर के द्वारा, विकेट के पीछे या तो एमएस धोनी तेज हैं या तो नितिन कारेकर तेज हैं। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग, कितनी फास्ट, देखिए उन्होंने कनेक्ट किया गेंद को और तुरंत स्टंप पर लगाया। 0.1 या 2 सेकेंड का समय लगा होगा। यस डॉट बॉल, ये अच्छा शॉर्ट पॉइंट की तरफ खेला है, यहां पर खतरा हो सकता है। नो स्ट्राइक का एंड पर पहुंच गए, यस थ्रो थोड़ा सा देरी से आया है। अब 8 गेंदे बाकी हैं और 8 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। 8 balls 23 runs to win, 8 चेंडू 23 धावा, 8 गेंदों में 23 रन। अब या तो गेंदबाज कोई गलती करे तो ये रन चेस हो सकते हैं, या फिर बल्लेबाजों को तो मेहनत करनी होगी, चाहे रन दौड़ के पूरे कीजिए या फिर बाउंड्री के रूप में अर्जित करिए, और आपको कैसे भी करके रन्स बनाने हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास ज्यादा विकेट नहीं है, केवल 3 विकेट आपके हाथ में है। बिपिन जायसवाल स्ट्राइक पर हैं, बिपिन पास्टे नॉन स्ट्राइक पर हैं, राकेश गेंदबाजी अटैक पर, अड़े बल्ले से खेला है, क्या गैप में जाएगी गेंद, नहीं डीप में फील्डर तैनात किया गया है, योगेश है वहां पर, ऐसा लगा कि गैप में निकल रही है गेंद, लेकिन जब पीछे नजर पड़ी तो योगेश दौड़कर आए, नहीं यहां पर फील्डर तैनात है, चिंता की कोई बात नहीं, एक सिंगल प्राप्त हुआ है मात्र और स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 11 for loss of 7 wickets, 7 balls and 22 runs to win, 7 गेंदे 22 run। बिपिन के ऊपर इनाम
यहां पर लगाया गया है ₹2000 का, लेकिन वो छक्का लगाते हैं तो दो छक्के लगाने पर विपिन फास्ट है। ओवर की समाप्ति हुई है, राकेश का भी ये अच्छा ओवर रहा है, इस ओवर में से केवल 5 रन आए हैं, 3 रन आए माफ कीजिए, और अब 6 गेंदे और 22 रन, 6 balls 22 runs टू विन। गेंदबाज परवेज, 6 गेंदे और 22 रनों की जरूरत है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कदमों का इस्तेमाल किया है विपिन जायसवाल, स्टंपिंग के रूप में एक और विकेट, इस बार परवेज के भी खाते में भी विकेट गिर गई है, बहती गंगा में हाथ धोते हुए परवेज। परवेज को पहली विकेट तो मिल गई है, इसके बाद और 2 विकेट लेते हैं, यानी कि हैट्रिक अगर लेते हैं परवेज तो संतोष परब जी की ओर से कितना भाई ₹1000 का अवार्ड है, ₹1000 का कैश रिवॉर्ड। और काफी परवेज भाई, काफी आपके लिए, ₹1000 फॉर हैट्रिक एंड कॉपी, 11 for 8, 8 विकेट गिर गए, और हैट्रिक अगर ले लिया परवेज ने तो ये टीम भी ऑल आउट हो जाएगी पूरी। वीर मराठा, दूसरी विकेट क्या मिलेगी, नहीं ये बाहर है, वाइट बॉल है, तो अभी भी हैट्रिक का मौका है। उमेश गुरव ये कर सकते अभी भी, ओके तो अभी भी मौका है। सुरेश नायर सर यहां पर उपस्थित है, हार्दिक स्वागत है सर आपका। आड़े बल्ले से ओ बाल बाल बचे, मौका यहां पर था, दर्शन ने देखे पूरा प्रयास किया है। इस सबसे अच्छा साइन यह है कि देखिए युवा खिलाड़ियों को पता है कि अगर गेंद आपके रेंज से बाहर भी है तो भी आप अपना प्रयास करना नहीं छोड़ें। दर्शन की तरफ से हमें वही लगातार देखने को मिला है, और इस मैच की जो शुरुआत है दूसरी पारी में जो विकेट गिरने की शुरुआत दर्शन की तरफ से हुई है, तो मैं दर्शन को रोल मॉडल मानूंगा इस टीम का। और लकी खिलाड़ी हैं चैतन्य, दर्शन, ये सारी युवा खिलाड़ी, हर्ष नॉटी बॉयज की तरफ से। परवेज के लिए अगली गेंद और इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास, विपिन का जो कि फेवरेट शॉट है, ये अलग बात है कि विपिन के बल्ले पर आ नहीं रही है गेंद, 3 गेंदे मात्र बाकी हैं, अब सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है, 3 गेंदे और 20 रनों की जरूरत है, 3 balls 20 runs टू विन। बड़ी जीत की तरफ बढ़ते हुए हर्ष नॉटी बॉयज, शॉट अच्छा है ऑन साइड पर, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात, मिलेगा सिर्फ एक। ये दूसरा मैच भी वन साइडेड होता हुआ, पहले मैच में भी हमने कुछ इसी प्रकार का दृश्य देखा था जब क्रिकेट लाइफ ने 7 विकेट से मुकाबला जीता 22 रनों पर रोकने के बाद विपक्षी टीम को। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, एक बार फिर से गेंद डॉट विकेट कीपर के हाथों में, परवेज ने क्या शानदार गेंदबाजी की है, अब तक सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट अपने नाम किया है, अंतिम ओवर का खेल चल रहा है, अब आखिरी गेंद आना बाकी है, केवल और केवल औपचारिकता, और ये गेंद को पुल तो कर दिया है मुदस्सर ने, लेकिन उसके बावजूद मिलेगा केवल 1 रन, और इस 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर हो चुका है 15, और इसी के साथ ये पारी यहां पर समाप्त, और ये मैच बहुत ही बड़े अंतर से जीत लिया है हर्ष नॉटी बॉयज ने 17 रनों से, लेकिन पूरी टीम को यहां पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। चौदह रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई माफ कीजिए, और 17 रनों से इस मैच को जीत लिया है, 5 फॉर लिया है साईनाथ ने, तो देखना है अब मैन ऑफ द मैच किसके खाते में जाता है। एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे अंपायर्स का, शंकर सर, निनाद सर, महेश सर, और tenniscricket.in के माध्यम से हमारे कैमरा पर्सन आयुष, अनिकेत, और टेक्निकल रूम में यहाँ पर संतोष जो कि कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन स्कोरर विघ्नेश यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में।
थोड़ा सा बदलाव होगा कुछ देर के लिए, सुरेश नायर सर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम मैन ऑफ द मैच के अवार्ड की तरफ बढ़ेंगे। मैन ऑफ द मैच इन्होंने बनाए हैं 11 रन बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों में, और गेंदबाजी करते हुए ये जो टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में जो मुश्किल होता है फाइफर लेना, वो फाइफर लिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साईनाथ की। मैन ऑफ द मैच बने हैं इस मैच के लिए, उनका चयन और पूरी टीम देखिए कितने डिसिप्लिन के साथ, रूल्स के साथ और एक क्रिकेट के जुनून के साथ। सबसे आगे दर्शन, उसके बाद चैतन्य और बाकी सभी खिलाड़ी पीछे पीछे एक दूसरे के साथ। साईनाथ, सार्विन, परवेज, नितिन कारेकर, भावेश, राकेश, मितुल, विशाल शिंदे, योगेश, जबरदस्त परफॉर्मेंस। और देखिए सभी के चेहरों पर मुस्कान। सुरेश सर, इतनी बड़ी जीत जब आपको मिलती है तो चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ आपके दिल में एक अलग सा जोश पैदा हो सकता है कि हम इतने बड़े अंतर से जीत सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ी जीत हम हासिल करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को और हार्ड लक वीर मराठा। थोड़ा सा आपको सोच विचार करने की जरूरत है, सौरभ पुजारी, मिलिंद गुडेकर, इनके जैसे उम्दा खिलाड़ी होने के बावजूद अगर आप इस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे, भावेश जी हाँ, रेहान, बिपिन, ये सारी सारे बहुत ही बेस्ट प्लेयर्स हैं, लेकिन उनके द्वारा ये उम्मीद नहीं थी। फिलहाल मैच खत्म हुआ है, साईनाथ आइए मैन ऑफ द मैच। ललित भाई प्रेजेंटेशन बॉक्स में आइए प्लीज। मैन ऑफ द मैच रवि भाव, रवि भाई और सुनील मोहिते जी और ललित भाई, उनके हाथों से ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, ये खूबसूरत ट्रॉफी सिद्धेश्वर बॉयज की तरफ से, ये रिस्ट वॉच और ये शानदार टी शर्ट अजय स्पोर्ट्स के लिए। और देखिए फाइफर बहुत छोटी मोटी बात नहीं होती, और 5 ओवर के मैच में 5 विकेट जब कोई एक ही गेंदबाज ले ले तो आप समझ सकते हैं कि गेंदबाज की काबिलियत क्या होगी। ये है साईनाथ जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं अपनी टीम के लिए और एक महत्वपूर्ण 11 रन भी बनाए हैं। वेल प्लेड साईनाथ, वेल बोल, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिला है। और अब एक बार फिर से ललित भाई की तरफ से 501 रुपए का कैश प्राइज भी मिला गया है, क्या बात है। साईनाथ को ये अवार्ड सारे और ये डिजर्व करते हैं बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि अब जो मैच चालू होने जा रहा है वो थोड़ा जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। विजय तिवारी जी यहां पर उपस्थित हैं, बॉल बॉल दी जाए प्लीज। रुद्रा फाइटर्स ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया है और ज्यादातर ऐसे ही निर्णय हमें देखने को मिल रहे हैं। अंपायर की भूमिका में शंकर सर निना